प्रदेश भाजपा ने आज हरमू चौक से अड़गोड़ा चौक तक राज्य सरकार की शव यात्रा निकाली। महानगर अध्यक्ष के गुप्ता के नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल सहित पार्टी के कई नेता शरीक हुए। शव यात्रा के दौरान पार्टी नेताओं ने राज्य सरकार को लगातार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का नारा लगाया, उसे महिला आदिवासी युवा विरोधी बताया। अड़गोड़ा चौक पर शव यात्रा कार्यक्रम की समाप्ति के बाद दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त होने और करप्ट अधिकारियों को संरक्षण दिए जाने का आरोप लगाया। मीडिया से कहा कि राज्य में खनिज संसाधनों की लूट है, राज्य सरकार के संरक्षण में ये लूट जारी है। अब जब ईडी के जरिए करप्ट अधिकारियों की लूट तथा सामने आ रही है तो कांग्रेस, झामुमो और राजद जैसी पार्टियां इसका समर्थन करने की बजाय विरोध करने में लगी है। राज्य सरकार में अगर नैतिक साहस है तो पूजा सिंघल प्रकरण की सीबीआई जांच की अनुशंसा करे, 3.5 करोड़ जनता की जन भावनाओं को देखते इस्तीफा दे। सरकार का और उस सरकार की शव यात्रा निकाली जा रही है जो भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी हुई है, खनिज संपदा की दोनों हाथों से लूट करने की काम की, लूट की छूट की गई, विकास के सारे काम ठप, और पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा सभी मामले में विफल है। लेकिन आज का कार्यक्रम जिस प्रकार से कल परसों रोज एक खान सचिव के हाथ छापा पड़ता है और छापे में जिस प्रकार से काले धन का और उनके संबंधित लोगों के हाथ से काले धन का निकलना, कई दस्तावेजों को निकलना, ये इस बात का प्रतीत है कि खान सचिव रहते हुए उन्होंने अवैध संपत्ति की, अकूत संपत्ति का एक जमात खड़ा किया है। और जब खान सचिव के पास इतनी ज्यादा संपत्ति है तो सरकार के जो उनके नुमाइंदे हैं, सरकार के नुमाइंदों के पास संपत्ति का बहुत बड़ा अंबार होगा। दुर्भाग्य इस बात का है कि राज्य की सरकार की जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस है और आरजेडी के लोग इस भ्रष्टाचार का विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि इनका मुंह तोड़ हम जवाब देंगे। सड़कों पर उतर करके यदि आप भ्रष्टाचारियों का समर्थन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 3.5 करोड़ जनता की हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेगी। और उनको मैं चुनौती देना चाहता हूं कि आप भ्रष्टाचार के समर्थन पर आप जितना आगे बढ़िए, झारखंड की जनता 3.5 करोड़ जनता की नजरों में आप गायब है, नाराज है जनता। इस विषय को आपको गंभीरता से सोचना चाहिए, इसलिए सारे प्रकरण की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। इनमें अगर हिम्मत है, नैतिकता है और झारखंड की जनता के प्रति इनके मन में दर्द है, संवेदनशील है, तो सारे प्रकरण को सीबीआई से जांच कराना चाहिए और अविलंब अपने कुर्सी से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। दीपक जी, आप पे आरोप लग रहा है कि आप लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जबकि ये मामला मनरेगा से जुड़ा हुआ है। आप बोल रहे हैं कि नहीं, खान सचिव के दौरान रहते हुए इस तरीके का घोटाला हुआ। अब नैरेटिव कौन किसका सेट कर रहा है पता नहीं, लेकिन झारखंड की 3.5 करोड़ जनता है कि मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथों से, अपने कलमों से लीज लेने का काम किया। उनके जो सहयोगी हैं, उन्होंने अपने हाथों से अप्लाई करते हुए लीज लेने का काम किया। उनकी पत्नी ने एक जमीन का आवंटन किया इंडस्ट्रियल एरिया में, उनकी साली ने जमीन का आवंटन किया है और उनके विधायक प्रतिनिधि बीज लेने का काम किया और उसका पता सरकारी पता जो एसडीओ का देने का था। ये भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं हुआ, उनके काले कारनामों का ये सबूत है। और जब ये सबूत है तो इसके बाद झारखंड की जनता ऐसी सरकार से निजात चाहती है। लेकिन वो कह रहे कि कानून नहीं रोकता। अब देखिए, कानून के दरवाजे पर राजा हो चाहे रंग, सब कोई बराबर है। इसलिए कानून की व्याख्या मैं नहीं कर सकता, लेकिन चुनाव आयोग, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को जो दरवाजे है उसमें उसके आदेश को, उसके निर्णय को मानने के लिए सबको बात है। आज एक कुर्सी हुआ जिसमें आपका ऑडियो क्लिप सुनाया गया, वो काट कर, बड़ा दुर्भाग्य है। जिस समाचार जिसने ये क्लिक किया है वो गलत किया है, हमारे खबरों को तोड़ कर, जोड़ करके, मरोड़ करके पेश किया है और उसकी मैं निंदा करता हूँ।
और एक बात का आरोप खड़ा किया गया है जेएमएम के कार्यकर्ताओं नेताओं द्वारा, और कहा जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ आगे भी घेराव करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, मुझे लगता था कि इस प्रकार से प्रस्तुत चाहे उजागर हो रहा, इसमें मुख्यमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ सहयोग कर साथ देंगे, लेकिन दुर्भाग्य इन भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी नजर आ रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा, राज्य की सरकार और कांग्रेस। अगर उनमें दम है भ्रष्टाचार के खिलाफ, अगर वो संघर्ष करना चाहते हैं, जंग करना चाहते हैं, तो सीबीआई की जांच, पूरे परिस्थितियों का सीबीआई जांच करवाए, तब मानेंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष में ईमानदारी के साथ खड़ा। एक आरोपी का बयान आया सीए का कि बार बार ईडी जानबूझ के दबाव बना रही है कि वो मुख्यमंत्री का नाम ले ले, और पता नहीं इन बातों को मुझे जानकारी, मुझे जानकारी है 3.5 करोड़ की जनता मुझे चौकीदार बनाया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चौकीदार बनाया, और कोई रसूखदार, कोई सत्ताधारी दल, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री और कोई भी व्यक्ति कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, विकास को अवरोध करेगा, तो चौकीदार की भूमिका अदा हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा, और हम जो चोरी हो रही है, जो लूट हो रही है, उस पर छूट लेने के लिए हम अंकुश लगाने का काम करेंगे। देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ, जेएमएम क्या करती है, कांग्रेस क्या करती है, राजद क्या करती है, या अन्य विपक्षी दल क्या करते हैं, मैं उस पर नहीं जाता। नहीं, आरोप है आप पर, आरोप तो हम लोग सहन करने के लिए पैदा ही दिया है, भारतीय जनता पार्टी आरोप सहन करने के लिए पैदा किया। मेरा ये कहना है कि भैया आरोप कोई बेवजह नहीं लगाता है, ये आम जनता जानती है कि आरोप जो हम लगाते हैं उसमें सच्चाई है या नहीं है। हम आरोप आज तो नहीं लगा रहे, 4 दिन पहले नहीं लगा रहे थे, हम पहले से लगाते आ रहे और उसका नतीजा आपने देखा होगा। अब ये तो एक क्या फिल्म में क्या बोलते हैं, ट्रेलर है, ये तो झांकी है बार बार की और बाकी। आप जिसको फिल्म का ट्रेलर बता रहे, कह रहे ये जेएमएम की पूरा स्क्रिप्ट पहले ये लोग लिख लेते हैं, डायरेक्टर तय कर देते हैं, उसके अनुसार से अपने एजेंसियों को लगा के एक्टिंग करवा रहे हैं। एजेंसी किसी का नहीं होता, तो कल को झारखंड सरकार, एसीबी झारखंड सरकार का है, तो जो दरोगा 2,000-5,000-10,000 कर्मचारी मैंने पकड़ाता है, वो भी यही कहेगा कि ये तो झारखंड सरकार जानकारी एसीबी का दुरुपयोग करा रही है। तो हर व्यक्ति को यह मानना चाहिए कि एसीबी जो पकड़ती है वो पैसा अपना देकर भी पकड़ती है, दूसरे पर आरोप एजेंसियों पर मत हो जाइए, एजेंसियों का काम है अपना काम करती है। अभी आप देख रहे हैं जुलूस के आ गए, भारी संख्या में पुलिस चल रही है, और पुलिस भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं, ना हम लोगों के अंगरक्षक थे, झारखंड सरकार की पुलिस थी, सुरक्षा देना उनका काम है, इसलिए सुरक्षा देते थे, तो मुख्यमंत्री थोड़े कहे होंगे कि जाकर सुरक्षा दो। अरे भैया उसके लिए डीजीपी से लेके नीचे तक सारी व्यवस्था है, उसके अनुसार हो रहा है। वो कह रहे माइंस लेना या जमीन लेना कोई कानूनता बाधा नहीं है कि मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कर सकते, और जब बीजेपी इसकी शिकायत कर चुकी है तो उसको वेट करना चाहिए, डेली डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रही है? भाई उनकी नजर में गुनाह नहीं है, हमारी नजर में गुनाह, आप और ले लीजिए ना, मेरा कहना है 80 डिस्मिल क्यों लिए भाई, 80 एकड़ ले लीजिए और ले लीजिए, और लोग बाकी है उनके नाम पर भी ले लीजिए, आपकी नजर में गुनाह नहीं है तो ले लीजिए, हमारी नजर में गुनाह है तो हम आवाज उठेंगे। लेकिन वो करे कानून की नजर में गुनाह है, भैया कानून की नजर में गुनाह है या नहीं है ये तो बात की बात है ना, आप इतना घबराहट में क्यों, घबराइए मत, घबराहट स्पष्ट दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप लग रहा है कि आप दलदल में फंसे जा, इसी बात का घबराहट। एक और आरोप लगा है, आखिरी सवाल समझिएगा, कि कोई भी आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड में 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाया, क्यों? क्योंकि दिक्कू लोग, बाहरी लोग नहीं चाहते कि कोई आदिवासी 5 साल राज करे या पूरा सरकार अच्छा से चला। हमको हंसी लगती है भाई, दिक्कू सबसे मुझे हंसी लगती है। हमको एक बात बताइए कि जेएमएम दिल्ली के व्यक्ति को राज्यसभा का टिकट देती है, आर के आनंद को, 1932 के खतियानी है क्या, वो किशोरी लाल को, दिल्ली के किशोरी लाल को टिकट देती है राज्यसभा का, 1932 या 1908 के खतियानी है क्या,
वाले इसका जवाब देना है। अपने इर्द गिर्द रहने वाले वो सब 1932 के या 1908 के तथ्यानी है क्या, दूसरे को आईना दिखाने के बजाय अपने चेहरे का धूल को साफ कीजिए और आईना देखिए तो साफ नजर आए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।